केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में स्थित छावनी में DRDO द्वारा निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल COVID-19 अस्पताल का दौरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ ने बताया कि DRDO गृह मंत्रालय और कई संगठनों के सहयोग से कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पताल की स्थापना की गई, जो कि केवल 12 दिनों में हुई है। यहां पर 250 ICU बेड भी उपलब्ध हैं। इस अस्पताल को दिल्ली के कैंट इलाके में बनाया गया है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और DRDO चीफ सतीश रेड्डी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि DRDO गृह मंत्रालय और कई संगठनों के सहयोग से कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पताल की स्थापना की गई है। DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, टाटा सन्स इंडस्ट्रीज और कई ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से ये कोरोना मरीजों के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको 12 दिन के अंदर ही यह तैयार किया है। मुझे यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। अपने में परफेक्ट हॉस्पिटल है। मैंने WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। 1000 बेडेड है, बिल्कुल सभी जगह तैयारी है हमारी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। अभी हमारे पास 15,000 से अधिक बेड हैं, जिनमें से 5300 बेड पर मरीजों का इलाज जारी है। ICU बेड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आने वाले वक्त में कोरोना के केस नहीं बढ़े तो ये राहत वाली बात होगी। फैसिलिटी बनाए 1000 बेडेड, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक तरह से दिल्ली में इस टाइम जो व्यवस्था चल रही है कि होम आइसोलेशन में काफ़ी लोगों का इलाज हो रहा है। जो भी आदमी सीरियस हो जाता है फिर वो अस्पताल ढूंढता है, तो अस्पतालों के बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये 1000 बेडेड हॉस्पिटल उसमें बड़ा मदद करेगा। खासकर जो 250 ICU बनाए गए हैं, जो कोमोर्बिड हो जाते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनको फिर ICU में ले जाना पड़ता है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल बेड्स की भी अभी फ़िलहाल कमी नहीं है। आज मैं अभी देख के आ रहा हूँ 15,500 हमारे पास टोटल कोविड बेड्स हैं, जिसमें से 5300 केवल ऑक्यूपाइड हैं। ICU बेड्स की थोड़ी कमी नज़र आ रही है कि अगर आने वाले दिनों में मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर स्पाइक आता है तो ICU बेड सबसे क्रिटिकल होंगे, तो ये ICU बेड्स हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो and subscribe to our channel and hit the bell icon.